अभी हमने जम्मू कश्मीर गया था, कटरा में माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और हम शिव केसरी में उस गुफा को दर्शन करने के लिए निकल पड़े। आगे पार्क में गए, जब चौक में आए तो उस चौक में भोजन किए। पानी इतना गिर रहा था कि ड्राइवर बोला उस 800 किलोमीटर ऊंचाई में गाड़ी चलाने में तकलीफ पड़ेगी, रात हो जाएगा, रास्ता भी ठीक नहीं है, हमारी यात्रा कैंसिल होगी। तब एक स्थानीय व्यक्ति से हमने पूछा कि शिव केसरी आखिर नाम क्यों पड़ा इस त्रिकूट पर्वत के परकोटा पर। उन्होंने बताया त्रेता में भगवान शंकर रुद्र रूप में थे, इतने भयानक गुस्से में थे, टेंशन में थे, कोई शांति की जगह खोज रहे थे और कोई जगह नहीं मिला। तब शंकर भगवान ने अपनी जगह को तोड़कर उस पहाड़ में फेंके, वह पहाड़ दो भाग में अलग हुआ और उस गुफा के अंदर में भगवान शंकर ध्यान में लिप्त हो गए। जहाँ भगवान बैठे थे, बैठे हैं, वहाँ पर दूध की धार गिर रही भगवान शिव के ऊपर में। उस समय के बाद एक भेड़ वाला चौराहा वहाँ गया और उसका भेड़ बाहर नहीं निकला, सांप बिच्छू जी जंतु का डेरा था। लोग सोचे कि जाएगा तो मर जाएगा। जब अंदर गया, उस बच्चे को निकाला, लाया, देखा भगवान शंकर जी इस गुफा में विराजमान है। तब से शिव केसरी प्रसिद्ध हो गया, जहाँ जाने से साक्षात हनुमान जी का दर्शन होता है। आप भी जब कभी मौका मिले, समय मिले, जरूर जाइए। भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।